अचानक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। पलभर में भरभराकर पूरे पहाड़ का हिस्सा गिर गया। कालका शिमला हाईवे को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट येलो अलर्ट है। आपको ये बता दें, कालका शिमला हाईवे पर लगातार हो रही लैंडस्लाइड से सड़क कनेक्टिविटी टूट चुकी है और आफत अभी खत्म नहीं हुई है। बारिश का दौर लगातार जारी और आज भी हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कैसे भूस्खलन हुआ, उसके चलते पूरी की पूरी सड़क जो है वो बाधित हो गई, यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया और उसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ हिमाचल में लगातार पहाड़ दरख रहे हैं तो दूसरी तरफ रेस्टोरेशन का काम भी लगातार किया जा रहा है। सोलन के परमाणु में सड़क जोड़ने की कोशिश की जा रही, हाईवे से मलबे को हटाया जा रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि मरम्मत में अभी और वक्त लग सकता है। वर्कर्स का ये कहना है कि मलबा साफ करने में अभी कई और दिन लगेंगे। हमारी सहयोगी पूनम शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। टाइम्स ऑफ भारत आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि किस तरह की जो है यहाँ पे हालात है नेशनल हाईवे पे। और ये चक्की मोड़ ये जगह आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह, ये देखिए पूरा का पूरा पहाड़ आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है। मिट्टी मलबा पत्थर आप देख सकते हैं पूरी तरह नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है मशीन को भी पीछे कर दिया गया है क्योंकि लगातार यहाँ पे स्थिति काफी भयानक है। कब जो है लैंडस्लाइड ऊपर से आ जाए कोई पता नहीं है। और ये जो वर्कर्स यहाँ पे काम भी कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। इधर नेशनल हाईवे 5 के संचालन के लिए कितनी तेजी से काम किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आगे जो है रोड जो है गायब है, 150 मीटर का स्ट्रेच है पूरी तरह गायब है। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे हैं और काम जो है युद्ध स्तर पे हो रहा है। टाइम्स ऑफ भारत ग्राउंड जीरो से आपको ये बता रहा है कि किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें, लेबर जो है अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को खोला जाए, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पे है बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है तो लग नहीं रहा है कि नेशनल हाईवे जो है जल्द खुल पाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रोड यहाँ पे गायब है।